आईटीसी कैसा दिख रहा है सर? बढ़िया तेजी दिखा रहा है, बढ़िया रेजिस्टेंस रहा है, मतलब बाजार की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनका कॉन्ट्रेरी चला, आपने भी पहले बात करी हुई थी इस पे। आईटीसी अभी कैसा दिख रहा है सर करंट लेवल्स पे? आज भी 2% की तेजी। आईटीसी मेरे को करंट लेवल पे भी अच्छा लगता है। जो लोग अगर पोजिशनल ट्रेडर है आईटीसी को होल्ड करिए, सुनर और लेटर इसको 400 रुपए तो जाना ही है। इसने बहुत ही मार्केट आउट परफॉर्म किया है। ये कुछ उस स्टॉक्स में से है जो कि आपके पेशेंस लेवल को पूरा एकदम हायर लेवल तक ये टेस्ट करता है कि आप कितना पेशेंस लेवल है आपके अंदर में। तो बट राइट नाउ द स्टॉक इज ऑन ए वेरी गुड अप ट्रेंड। डेली वीकली मंथली तीनों चार्ट्स में एकदम द स्टॉक इज ऑन ए वेरी क्या बोल सकते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी में है। एंड इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 270 रुपए का और स्टॉक को राइड करिए। मेरा पहला टारगेट ही रहेगा इसमें 330 से 350 रुपए के। ठीक है, तो टारगेट्स बता दिए हैं, पेशेंस टेस्ट करता है, इतना टेस्ट करता है कि किसी समय में इसको ये तक कहा जाता था कि इसको इमूवेबल प्रॉपर्टीज में डाल देना चाहिए, जब उसके अंदर में लिखा जाए तो बाजार में पोर्टफोलियो में ना लिया जाए, इसको लिखा जाए कि हमारे साथ एक प्लॉट की है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ ना, ये आईटीसी में देखिएगा, ये बाजार गिरा, आईटीसी नहीं गिरा, इतना बढ़ गया, इसके पीछे का कारण ये है ना कि मैं लास्ट क्वार्टर का कुछ डेटा देख रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, one need to verify this, but if I am not wrong, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि 5 लाख रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो आईटीसी से कम हुए थे, आईटीसी के शेयर से 5 लाख रिटेलर्स आईटीसी से आउट हो गए थे, मतलब उन्होंने पेशेंस लूज कर दिया एंड दे एग्जिटेड। तो आईटीसी उसके बाद से ही आईटीसी चलना चालू किया है। तो दीज आर द थिंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस डेटा इज राइट, एक बार आप लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते रुका रहा, क्योंकि जिस तरीके का पोर्टफोलियो उन्होंने अपनी इंटरनल पोर्टफोलियो यानी कंपनी के अंदर में क्या-क्या चीजें, क्या-क्या बिजनेसेस हैं, उसको काफी ऑलवेज आईटीसी इज ऑलवेज अ गुड, आईटीसी इज ऑलवेज अ गुड। ठीक बात है, क्योंकि बहुत सारा हेजिंग है, बहुत अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके पास, अब जिस तरीके से डाइवर्सिफाइड है तो केवल सिगरेट नहीं है। वेट कर रहे हैं कि इसका डीमर्जर कब आता है, इसके वैल्यूएशंस कब अनलॉक होते हैं। 2 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं इसका डीमर्जर की न्यूज़ का। जिस दिन इसका डीमर्जर आएगा तो इसका भी वैल्यूएशन अनलॉक होंगे एंड द शेयर्स विल बी रीरेटेड। अभी तो क्या है कि ये टोबैको फ्लेवर को सबको एक ही में लेके चल रहा है, सूनर और लेटर डीमर्ज होगा एंड देन द वैल्यूएशन विल बी रियली गुड। जो लोग होल्ड कर रहे हैं तो उन लोगों को डीमर्जर के बाद बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा आईटीसी।